तो ये हमारे पास इलस्ट्रेटर है और इसका भी फर्स्ट स्क्रीन ऐसे ही है जैसे हमारा फोटोशॉप होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी पड़े हुए, आप चाहें तो उनको यूज़ करें। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक न्यू फाइल लें, और न्यू फाइल का साइज जो है ये कुछ, जैसे मैंने न्यू पर क्लिक किया है, इस तरह से एक स्क्रीन मेरे सामने शो हो गई है जिसमें मुझसे कुछ पूछ रहा है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, पिक्सल्स जी नहीं। इलस्ट्रेटर में जो काम किया जाता है मोस्टली या तो वो पॉइंट्स में होता है या वो इंचेस में होता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर को हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग की जहाँ बात आती है, याद रखें कि प्रिंटिंग के लिए आप इंचेस में रखते हैं, जबकि जब आप इलस्ट्रेटर सॉरी फोटोशॉप में काम कर रहे थे वो एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर था, वहाँ आप पिक्सल्स में काम करते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में आप इंचेस पर काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर नीचे देखें तो कलर मोड आपका CMYK होता है। CMYK कलर्स जो होते हैं ना, वो आप समझ लें कि ऐसे होता है जैसे आप अपनी वॉल है, वॉल के ऊपर आप पेंट करते हैं ना, पेंट के जो कलर होते हैं वो कलर्स कहलाते हैं CMYK, ठीक है। तो जो हम फोटोशॉप में यूज़ करते थे वो थे लाइट के कलर। लाइट के कलर्स को आप ऐसे समझें, लाइट के कलर्स वो होते हैं कि मतलब आप सूरज के सामने खड़े हैं, आपने एक एक ग्लास रख दिया है, तो लाइट जो है वो ग्लास से पास हो जाती है, गुजर के भी नज़र आ रही होती है, वो कलर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं RGB कलर। जबकि CMYK कलर क्या होते हैं कि वो आपने एक बार पेंट कर दिया तो वो वहाँ फिक्स हो जाते हैं वॉल पर, तो उसकी जो बैक है वो नजर नहीं हमें आती इस तरह से। तो प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो CMYK में करेंगे। आप यहाँ से अपना साइज ले लें, इंचेस में क्या रखना चाहते हैं। तो आई थिंक ये A4 साइज है, लेटर साइज है, ठीक है। या यहाँ से चेंज करना है यहाँ से चेंज कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। मोस्टली जो है वो यही यूज किए जाते हैं, मैं यूज कर रही हूँ। मैंने क्लिक किया है, अभी देखिए कि ये एक आर्टबोर्ड मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर इलस्ट्रेटर भी क्या है कि इस एरिया को वाइट एरिया जो पेपर की तरह होता है इसे आर्टबोर्ड कहा जाता है। फोटोशॉप में इसके लिए कैनवस का वर्ड यूज किया जाता है। कुछ एलिमेंट सेम है बिकॉज कि ये अडोब की एक प्रोडक्ट है, तो जैसे लेज में होता है ना कि लेज दिखने में एक जैसे लगते हैं और फ्लेवर उनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये अडोब की प्रोडक्ट है, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनके इनके फीचर्स इनके इनका मकसद डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर में हम लोगो डिज़ाइन करते हैं, 3D इलस्ट्रेशंस करते हैं, और कहले के ब्रांडिंग की जाती है, ये सारे पर्पस जो हैं ये इलस्ट्रेटर के हैं, जबकि फोटोशॉप का आपको बताइए। तो इसका कुछ देख ले, यहाँ ये टूल्स है, टूल्स का आपको आइडिया है, और यहाँ पर इस साइड पर आपको प्रॉपर्टी पैनल्स नजर आते हैं जिसमें आपको हर टूल की प्रॉपर्टी नजर आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एक टूल को देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर देती हूँ, ये एक शेप है। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल या रेक्टेंगल क्रिएट किया, ये देखिए। अभी क्या है कि मैं रेक्टेंगल बनाते हुए जहाँ मूव कर रही हूँ ये वहीं जा रहा है, मतलब मैंने ऐसे किया है ऐसे बन गया और इस तरह से बनता जा रहा है। लेकिन जब मुझे एक मुकम्मल एक स्क्वायर चाहिए होगा, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, चले आप लोग बताएं, क्योंकि ये हमने फोटोशॉप में भी किया हुआ ना, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, मुझे बताएं जरा। अगर शेप हमने, दबाए हाँ बिल्कुल, शिफ्ट शिफ्ट के साथ आप जब करेंगे, देखें मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ और अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो एक स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी मर्जी की शेप बनानी है। तो जैसे मैंने एक शेप क्रिएट की, अब मुझे सबसे पहले मेरे पास है एक मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, इस शेप को यहाँ से जहाँ मैं मूव करना चाहती हूँ तो ये वही मूव कर देता है, लाइक दिस, ये देख, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये शेप्स नहीं चाहिए तो मैं इनको कर देती हूँ डिलीट,
डिलीट का बटन प्रेस कर रहे हैं, याद रखें कि कंट्रोल डी और क्या कह लें कंट्रोल जी, इन दोनों में डिफरेंस है। आपने क्या किया था, एमसीक्यूज आपके फर्स्ट थे तो इतने आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आई हुई थी, इतने मुझे था कि आप लोग फटाफट कर लेंगे, उसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, मगर आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ था। कंट्रोल जी का मतलब होता है एक स्टेप बैक जाना, ठीक है। कंट्रोल डी इस इलस्ट्रेटर में डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, एक एक शेप बार बार जब रिपीट की जाती है उसके लिए कंट्रोल डी यूज करते हैं। तो आप लोगों ने ना मिक्सिंग की हुई थी फोटोशॉप में, मुझे जरा बताएं कि ये सब स्टूडेंट्स का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब इससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन वो नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया, किस किस का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन के साथ? मेरा। अच्छा, तो ये भी एक है पॉइंट ना। अच्छा, तो जब भी आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपका टेस्ट हो, तो आप जिनीरा कभी है सबका ही है, तो वो तो नजर आ ही रहा था आप लोगों का, जो मैंने देखे ना वो फर्स्ट क्विज देखा, वो मैं बहुत डिसऑर्ड हुई कि मतलब इतने सेंस तो रखे ना कि आपको कौन सा कोई देख रहा है, और आपने एमसीक्यूज करने हैं, आप गूगल नहीं कर सकते, एक टैब ओपन करें उसमें गूगल करके इंसान कर लेता है ना, उस वक्त सीख लें एटलीस्ट। अगर आपने नहीं सीखा, आपने नहीं पढ़ा, आपको याद नहीं है, तो ये कौन सा इतना मुश्किल था, एक टैब ओपन करना था और वहाँ आपने बस कॉपी करना था और सर्चिंग कर लेते हैं इंसान, इतनी तो सर्चिंग किया करें, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सिर्फ एमसीक्यू उसकी वजह से अपने मार्क्स कटिंग करवा देंगे आप लोग, तो इस चीज का ख्याल रखें, नेक्स्ट क्विज हो तो वो अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। थोड़ी सी ना सेंस भी यूज कर लिया करें, आपके ऊपर कौन सा कैम रखा हुआ है कि आप लोग डर जाएंगे तो वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लोर भी किया करें। चले, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर हुई क्या मेरी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन, शेयर आप लोगों के साथ चैट ना, मैं यही रख लेती हूँ, मुझे चैट भी नजर आती है, लेकिन आप लोग माइक तो ऑन करते नहीं है ना। अच्छा, तो पहली बात ये है कि लेट्स सपोज के हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहे हैं, और देखिएगा सिर्फ और सिर्फ इनकी स्क्वायर की हेल्प से या रेक्टेंगल की हेल्प से आप कैसे अमेजिंग चीज़ें बना सकते हैं, अमेजिंग कह लें कि 3D फोटोशॉप में ना 3D शेप्स क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये शेप है और मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो इसकी कॉपी लेने के लिए मैं सेंटर में रखती हूँ, ऑल्ट प्रेस करती हूँ और इसको मैं ड्रैग करती हूँ, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करते हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ड्रैग किया है और इस माउस मैंने अपना रिलीज कर दिया, तो ये एक कॉपी जनरेट हो। अभी मुझे इसकी एक और कॉपी लेनी हो तो मैं कैसे लूंगी, मैं यहाँ सेंटर में रखते हुए ऑल्ट प्रेस करती हूँ और मैं इससे इस तरह से जैसे चाहे ड्रैग कर लूँ, ये मैंने ड्रैग किया तो ये एक कॉपी बन गया। अभी ये एक रेक्टेंगल है, हमने पढ़ा है सिलेक्शन टूल के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है। ये भी माउस की तरह बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए ये क्या करता है, इससे मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ। अब मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा कि ये दो पॉइंट्स जो है ना इस टाइम यही सिलेक्टेड है, और जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये वो हो रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ, देख रहे हैं, ये वाला पाथ वही रहा और ये जो पाथ है ये मूव हो गया। अभी मैं इसको इस तरह से इस पाथ को भी मूव करती हूँ तो ये पाथ भी मूव हो जाएगा, ये देखें ये एक बन गया 3D बॉक्स। जैसे फोटोशॉप का यही है कि फोटोशॉप में आप कोई भी
शेप है उसको 3D लुक दे सकते हैं, जबकि फोटोशॉप था उसमें हम क्या करते थे, इमेज एडिटिंग की जाती थी मोस्टली, वो उस लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इसके अंदर हम 3D शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट से। अब ये देखें कि अगर मैं इसको अच्छी से लुक देनी हो तो कैसे दूंगी। मैं इसमें एक और चीज़ आपको सिखा देती हूँ। अब भी इस वक्त अगर इस पैनल को आप देखें तो यहाँ पर जो मेरा फिल है वो वाइट कलर का है और इसीलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें कोई और कलर फिल करती हूँ, ये फिल है, ठीक है, फिल ऊपर आ गया, और ये स्ट्रोक, स्ट्रोक कह लें कि ये बाउंड्रीज जो आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रोक है, और अगर स्ट्रोक पे क्लिक करती हूँ तो स्ट्रोक ऊपर आ जाता है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास कलर आ जाता है। तो कलर इस वक्त वाइट है, इसको मैं चेंज करके दिखाती हूँ, यहाँ से कोई कलर पिक कर ले, ये देखें कलर चेंज हो गया। और ये सब में एक साथ क्यों हुआ, बिकॉज ये सारी शेप एक साथ सिलेक्ट थी, लेकिन अगर ऐसा ना होता, कंट्रोल सी मैं करती हूँ और मैं सिर्फ ये ही कलर, इसका ही कलर चेंज करना, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ आकर कलर से मैं कलर पिक कर लेती हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, तो ये वो कलर फिल कर देती हूँ। अब देखें कि अगर यहाँ कलर कलर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ये नन लिखा हुआ आ रहा है और एक लाइन क्रॉस सी बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कर दें तो कलर ख़त्म हो जाएगा, कलर नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाइट है ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा बैकग्राउंड के साथ मैच किया हुआ है। अच्छा, तो अगर मुझे इसमें ग्रेडियंट फिल करना हो तो ये सेंटर वाली लाइन देखिए, जैसे मैंने ग्रेडियंट पर क्लिक किया यहाँ मेरे पास एक पैनल ओपन हो गया ग्रेडियंट का, और ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी मर्जी का कलर इधर देना चाहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक हैंडल लेती हूँ और इसमें अपनी मर्जी से कलर ऐड करती हूँ। फर्स्ट मैंने ये सिलेक्ट किया है और सेकेंड मैं चूज करती हूँ ये ब्लू वाला कलर, ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रेडियंट फिल कर देगा इस शेप के अंदर। अब आप चाहें तो इस शेप को सिलेक्ट करें और इसमें भी सेम ग्रेडियंट आपने क्रिएट कर लिया फिल करें, और इसको भी चाहें तो फिल करें, ठीक है। ग्रेडियंट के आपके पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं, आप देखें, ये था आपके पास लीनियर ग्रेडियंट, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इस पर क्लिक किया तो लिखा हुआ है लीनियर, देन आपके पास है एडिट ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लीनियर होता है, रेडियल होता है और एंगुलर होता है, तो अभी कुछ एंगुलर सा कलर हो गया, ये देखिए ग्रेडियंट जी जी। तो इस तरह से आप अपने शेप में डिफरेंट किस्म का ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, तो ग्रेडियंट चूज कर लिया करें। अभी ग्रेडियंट हमारा मेन टॉपिक नहीं है, ये बस आपको आइडिया देना था बेसिक कलर्स का कि कलर्स किस तरह से लिए जाते हैं, ग्रेडियंट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो आपने क्या करना है, और इसे बैक कर देती हूँ, मैंने आपको कलर फिल करके दिखा दिया किस तरह से कलर फिल किया जाता है और ग्रेडियंट वगैरह, ठीक है। तो अगर मुझे ये शेप मैंने इस तरह क्रिएट किया और मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि ये शेप इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, इसको किसी और तरीके से होना चाहिए था, तो उसके लिए मैं फिर आती हूँ अपना ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, इसको चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से ये सारे पॉइंट सिलेक्ट किए मैंने और मैं चाहती हूँ कि ये एक साथ ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए बॉक्स इस तरह का, फिर मैं चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा है तो मुझे यहाँ से भी इसे छोटा करना, तो मैं यहाँ से एडिट कर लूँगी। मतलब किसी भी टाइम आपको लग गए आप अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जबकि फोटोशॉप में अगर आप इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज़ पर, लेकिन इलस्ट्रेटर में आप ज़रा इजीली, अभी भी आप देखें तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, इनको मैं सेपरेट भी करके दिखा दूँ, ये 3 रेक्टेंगल्स हैं जिनको हमने एक 3D बॉक्स में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप चाहें इसके ऊपर एक इसकी एक कॉपी ले लें, इस तरह से इसको कंप्लीट सिलेक्ट किया, और कॉपी लेना मैंने आपको अभी बताया था विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट, आप इसे सिर्फ और सिर्फ ड्रैग करें पकड़ के तो ये एक कॉपी आ जाती है, इसकी सेम शेप आपने क्रिएट कर ली। अब आप चाहें
तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन से चेंज करें। ये देखिएगा, इससे क्या हुआ कि ये एक बॉक्स का कवर बन गया, और अब आप इसे मूव टूल से उठाकर आप इसे दिखाएं और यहाँ रख दें, तो ये इसका कवर भी रेडी है बॉक्स का। ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स रेडी है। इसको मैं उठाती हूँ, इसको जरा साइड पे रख देती हूँ, इसको हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं। अब चलते हैं एक न्यू टूल की तरफ और देखते हैं कि किस तरह वो जरीना को एक शेप नहीं मिल रही थी, तो शेप कैसे क्रिएट करनी है, वो जो आप ढूंढ रही थी और आपको मिल नहीं रही थी। ठीक है, उसके लिए आप चाहें तो पॉलीगोनल से बना लें, दोनों तरीके से सिखा देती हूँ। ठीक है, आपके पास ये शेप है और अभी इस टाइम इसको आप इस तरह से विद द हेल्प ऑफ मूव टूल यहाँ ले आए और इसको थोड़ा सा ड्रैग कर ले इस तरह से। ये आपके पास ऑलमोस्ट वैसी शेप है, और अगर नहीं है तो हम इसे क्रिएट कर लेंगे। अब आप इसको क्या करें कि एंकर पॉइंट टूल लें, ये वाला ये पॉइंट है, और इसको आप कर दें डिलीट। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ पेन टूल आप इस पाथ को कर दें क्लोज। यहाँ से एक पॉइंट लिया और यहाँ रहकर आपने इसको पाथ को कर दिया क्लोज। ऑलमोस्ट ये वैसी शेप दे रहा है, और अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो आप एंकर टूल की मदद से कर सकते हैं। ये तो शेप्स हैं, ये इस पाथ को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस रखूंगी तो ये इक्वल डिस्टेंस से जाएगी। तो ये वो शेप बन गई है एलिसा, जो आपको नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब आप इसमें ग्रेडियंट फिल कर लें। ये देखिए, यहाँ ग्रेडियंट है, जो आप कह रही थी कि ग्रेडियंट भी फिल नहीं हो रहा, तो आप करें यहाँ ग्रेडियंट फिल। ये ऑरेंज कलर है, यहाँ पे कलर में ऑरेंज के नियरेस्ट कलर ले लेती हूँ, ये वाला ले लो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि हाँ ये अभी ये प्रॉपर नहीं है, तो आप एक और तरीका भी है, वैसे भी ये बना सकते हैं, इसको भी साइड पे रख देते हैं। एक शेप क्रिएट करनी है, इसको नहीं होनी चाहिए, यहाँ रख दिया मैंने। मैं एक न्यू शेप क्रिएट करती हूँ इस तरह की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से करके देखते हैं। कि आपके पास एक रेक्टेंगल, ठीक है, और इसमें आप एक और टूल है एंकर टूल, ठीक है, या पेन टूल ले लो। पेन टूल लिया, आप यहाँ एक पॉइंट ऐड करते हैं, ये एक पॉइंट मैंने ऐड किया, और अब आप इस टूल की हेल्प से, सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको ऐसे करने ये लें, ये शेप क्रिएट हो गया, ये प्रीवियस से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और इसमें ग्रेडियंट भी चलवा आपने, इसके अंदर सेम ऐसा ऐसे का शेप लेना। मैं इसकी ऑल्ट से कॉपी ले लेती हूँ ना, ये वाला टूल उठाया मैंने, सेंटर से ऑल्ट लिया और ये मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, अब वो जो शेप आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें था स्ट्रोक, आप इसका स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करें, और इस तरह से ये हो गई स्ट्रोक ऐड, इसमें साइज थोड़ा सा कम कर ले। ठीक है, ये देखिए, कस्टम शेप्स के लिए इलस्ट्रेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि हर वो शेप जो आपको कहीं नहीं मिलती वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर का ज्यादातर यूज। और ये जो एक जो भी ये झंडी सी बनी हुई है ना, झंडिया ही हम इसे कहते हैं, तो ये प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है ना, इसके अंदर आपने अपनी टेक्स्ट लिखनी है और आपका डिज़ाइन रेडी है। ठीक है,
समझ आ गई अलीसा, आप लोगों को इलस्ट्रेटर समझ आ रहा है ना? प्लीज मुझे बताएं चैट में। देख रही हूँ। हाँ जी, एलिजा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और ये शेयर्स ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी, लेकिन क्रिएट करना कितना इजी था। तो हर कस्टम शेप या कस्टम डिजाइन इलस्ट्रेटर में क्रिएट करना बहुत इजी है। चलिए, तो ये काम हमारा हो गया, इसको भी हम रख देते हैं साइड पर। अभी आपको थोड़ा और सिखाना है, उसके लिए मैं ले लेती हूँ एक शेप, और ये देखिएगा आगे, ये एक ओवल टाइप बन रहा है ना? तो अगर आपको एक ओवल बनाना है तो आप सिंपली जैसे मर्जी ड्रैग करते हुए बनाएंगे। अगर आपको एक सर्कल चाहिए तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये बात आपको पता है, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि इस शेप को थोड़ा सा चेंज करूं मैं। उसके लिए मैं ये उठाती हूँ टूल, यहाँ पर मैंने रखा है, तो मेरे पास ये देखिए ये दो हैंडल्स आ गए, देख रहे हैं आप? जस्ट मैंने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर एक हैंडल लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि क्यों ना इस शेप को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, और मैं इसे एक मैंगो की शेप दे दूं। तो अगर मैं इस तरह करती हूँ तो यहाँ से, बल्कि यहाँ से उठाना है मुझे, ये यहाँ से ये थोड़ा सा उभर गया है और हेल्दी सा हो गया, ठीक है? इस तरह से। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाह रही हूँ थोड़ा सा कर्व, मैं चाहती हूँ अंदर की तरफ बेंड हो जाए लाइक दिस, और अभी ये उल्टा मैंगो बन गया। तो इसकी कर्व चेंज कर लेते हैं, ये कर्व मुझे इस तरह डालनी चाहिए लाइक दिस, ये देखिए। तो आप किसी भी शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक मैंगो की शेप फील दे रहा है। तो अगर आप लीव क्रिएट करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे? लेट्स सपोज के ये आपके पास है, पतला सा मैं इसे कर लेती हूँ, और यहाँ पर सिंपली आपने पेन टूल देख लिया, एंकर पॉइंट टूल देख लिया। अगर मैं यहाँ करती हूँ तो इसने एंकर पॉइंट टूल ने क्या किया, ये एंकर को, इसको एंकर पॉइंट बना दिया। एंकर पॉइंट होता है लाइक कर्व को खत्म करके, आपने कभी अपने बॉडी में देखा होगा ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स कह ले कि आपकी एल्बो है ना, एल्बो, एल्बो वो चीज है कि जो हमारे बॉडी में जो दो बोन्स हैं उनको ज्वाइंट कर रहा है, ठीक है? एंकर डाल रहा है जिसकी हेल्प से हम अपने पॉइंट को क्या कह लें, पोनी, हाँ, बाजू को मूव कर सकते हैं ना जैसे मर्जी। अगर ये एंकर ही ना हो तो ये हम अपने बाजू मूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये बेसिकली एंकर पॉइंट्स होते हैं। एंकर पॉइंट ये है कि ये इस साइड पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट इस साइड पर, इन दोनों को ज्वाइंट कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये आपको समझ आ गया? तो ये बड़ी स्ट्रेट सी ना वो लीफ बन गया, यहाँ पर इसे रखते हैं। और इसको थोड़ा चेंज कैसे करें? चेंज आप करते हैं हमेशा एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब इसको थोड़ा सा दूर रख के करते हैं ताकि सिर्फ ये पॉइंट सिलेक्ट हो, सिर्फ अब मेरे पास जो ब्लू हुआ है ना ये पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ, ये देखें, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे कर ले सिलेक्ट करते हुए, ये और अब मैं इसे मूव कर लेती हूँ जैसे मैं चाहूँ। थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है इसमें लीड वाली, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ आपको मैंने सिखाया है सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, बल्कि ये चीजें मैं यहाँ क्यों रखूँ, इनका क्या बात, आपको समझ आ गई? इनको डिप्लीट करते हैं, ठीक है? आप सीख गए हैं सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल। अब आपको दिखाना है कर्वेचर टूल, ये वाला टूल जो है ये कर्वेचर टूल है। देखिए कि कर्वेचर टूल क्या करता है, वे फिल जो है इस टाइम ना नन कर देती है, ये फिल है, फिल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये प्रेस कर दिया, फिल बंद हो गया। अब सिर्फ मेरे पास स्ट्रोक है, ठीक है? स्ट्रोक चल रही है सिर्फ। तो मैं ये पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पर रखा और ये मेरा पॉइंट। अब आप देखिएगा कि मैं करती हूँ होता क्या है,
जब मैं न्यू पॉइंट बनाने जा रही हूँ ना, तो ये स्ट्रेट के बजाय कर्व ही मुझे दे रहा है। देखें, कर्व आ रही है इसमें। तो ये बड़ा हेल्पफुल है कि जहाँ भी आपको कर्व देना है, आप अच्छी सी कर्व बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल। टूल्स आपको आते होंगे तब आप कहीं जाके कोई डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दिन ही लोगों ने स्टार्ट हो जाना, पहले दिन आपको टूल्स आने चाहिए, ताकि जब आपको सारे टूल्स आते होंगे फिर आपके लिए लोगो डिजाइन करना तो मुश्किल है। आपकी पॉइंट मैं चाहती हूँ मेरी जान छोड़ दे, तो मैं यहाँ आकर क्लिक कर दूंगी सिलेक्शन टूल पर। ये कुछ इस तरह की कोई क्या पॉइल टाइप बन गया, जलेबी बन गई है बल्कि ये। तो इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करूं तो आपको ये जलेबी अच्छे से नजर आएगी। अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि ये मुझे चेंज करना ना, ये जैसे ये पॉइंट खराब हो गया और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप यहाँ आए, सिलेक्शन टूल है, देखें अब आपको वाजिया हो गया होगा कि इसके अंदर कितने ज्यादा पॉइंट्स हैं। कोई भी शेप्स होती है ना, तो वो बेसिकली पॉइंट्स की मदद से बनती है। आपने देखा होगा अगर कभी आप रात के टाइम अक्सर आसमान की तरफ देखें तो आसमान पे कितने स्टार्स हैं, और अक्सर हम लेटे लेटे ना उनसे कोई चीज़ बना लेते हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, डिफरेंट डॉट्स होते हैं और हम उनको कनेक्ट करते हुए, किसी ने किया कभी? अच्छा, तो ये आपके पास एक शेप है, ठीक है, आपके पास है यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, बहुत मजे का टूल है। इसको आप एक पॉइंट पर रखिए जिस पॉइंट को आप एडिट करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो दो हैंडल्स आ गए मेरे पास। अगर मैं इसे इस तरह करती हूँ तो ये यहाँ पर कर्व देता है, ठीक है, और अगर मैं इसको इस साइड करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर कर्व देता है। तो मुझे बेसिकली यहाँ से मैंगो को थोड़ा सा बढ़ाना है, को थोड़ा सा मैं और बढ़ाना चाहती हूँ लाइक दिस, इस तरह से। अब ये बारीक, यहाँ बारीक सा था और ये मुझे यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको कर्व देके ज्यादा बढ़ा लिया। नाउ अब मुझे ये पॉइंट चेंज करना है, क्योंकि मैं यहाँ क्या चाह रही हूँ, बेंड करना चाह रही हूँ, कर्व देना चाह रही हूँ अंदर की तरफ। तो अगर मैं इस पॉइंट को, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, एक हैंडल ये है और एक ये हैंडल है, तो मैं इस हैंडल को अंदर की तरफ देखें करती हूँ तो ये एक, इसने यहाँ पर मुझे कर्व दे दिया और ये एक मैंगो की एक शेप बन गई, ठीक है। एलिजा आपको क्लियर हो गया ये क्या कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये इस तरह से हो सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू। कर रहे हैं लोगों को आ रही है, और जो लोग कर रहे हैं उनको आप लोग देखते रहिए, उनको ऑर्डर्स आ जाने और उनका काम कर लेना, ठीक है। अपना ना एक चीज मेरे आप लोगों को और बतानी थी, आपका पोर्टफोलियो ना इतना ज्यादा नहीं है अलीफ, आप सब लोग डेली का एक मौका पर अपना कोई भी पीएनजी उठाने, थोड़ी सी टेक्स्ट लिखे, ठीक है, और डेली का एक मौका अपलोड किया करें। उससे ये है कि आपका बहुत जल्दी पोर्टफोलियो बनेगा, मतलब टी शर्ट डाल दें, हुडी डाल दें। टी शर्ट्स में बहुत वेराइटीज होती हैं, एक एक आपकी स्लीव्स के साथ होता है, विदाउट स्लीव्स होते हैं, तो इस तरह बेबी का डाल दें, किसी गर्ल का डाल दें, किसी मतलब दो तीन लोग हों, इस तरह डिफरेंट आप बस डालते नहीं, काम होना चाहिए। मतलब किसी दिन भी ऐसा कोई दिन ना गुजरे जब आपने काम ना किया हो। हम क्लास में हैं, क्लास होती है नहीं होती, आपकी छुट्टी है, लेकिन फिर भी आप काम करेंगे। क्या है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो आपने जिन लोगों को फॉलो किया है या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ ये पर्सन काम कर रहा है या ये एक्टिव है। तो जो एक्टिव रहते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं, उनको ऑर्डर आ जाते हैं। बाकी स्टूडेंट जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे, वो भी ये ट्रिक अपनाएं, ठीक है। तो अब आपका ये काम तो हो गया, अब मैंने आप लोगों को सिखाना है इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे आप क्लिपिंग मास्क करते हैं। दोनों फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के कहने की चेंज है क्लिपिंग मास्क का ना, और इलस्ट्रेटर में आपने अपना इंट्रो क्रिएट करना है जिसे आप लेकर जाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है।
तो पहले तो आपको क्लिपिंग मास्क करना चाहिए। क्लिपिंग मास्क के लिए आप एक शेप क्रिएट करते हैं, और मैं ये रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया, और इस रेक्टेंगल का आप देखेंगे जैसे रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं ना, तो इसके अंदर यहाँ पर ये गोल सा एक दायरा इधर बने होते हैं कॉर्नर्स पर। ये क्या करते हैं अभी देख रहे हैं, जैसे मैं इसे ड्रैग कर रही हूँ, ये देखें ये इसको राउंड कर रहा है, तो ये एक राउंडेड रेक्टेंगल बन गया, डिफरेंट सी शेप बन गई। इसको थोड़ा सा और बाई की तरफ ले जाऊँ तो ये इस तरह की शेप आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें कि मुझे उस फोर कॉर्नर्स राउंड नहीं करने, ठीक है, आप बस कम ही करना चाहते हैं, तो आप ये इस तरह से लें, ये ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और ये दो पॉइंट सेलेक्ट करें, फिर आप इसे ड्रैग करें। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट्स ही राउंड हो रहे हैं और बाकी नहीं हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये शेप जो है आज कल इस कदर इन है, मतलब ट्रेंड्स भी तो देखने हैं आप लोगों, तो ये शेप इस टाइम ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। मैं इसको फिल कर देती हूँ, आपको नज़र आएगी। इसमें हम करते हैं कुछ क्लिपिंग मास्क, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी एक इमेज। अभी मेरे पास तो कोई ऐसी इमेज है नहीं जो इंट्रो से रिलेटेड हो, तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं। स्क्रीन भी क्या चेंज करना होगा, चलें स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। स्क्रीन चेंज करती हूँ मैं, और इमेज सर्च करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, अनस्प्लैश पे चलते हैं। बिजनेस पर्सन, बिजनेस मैन, ये भी ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा था, ठीक है, और देखते हैं। ये मैडम ठीक है, इन्हें हेलो करते हैं, इमेज डाउनलोड हो रहा है, मैं अपनी स्क्रीन चेंज करती हूँ, इलस्ट्रेटर में चलते हैं। इस तरह से तो मैं यहाँ इमेज प्लेस कर लेती हूँ, फाइल में जाते हैं, इमेज लेते हैं और डाउनलोड्स में चलते हैं। ये क्लिक किया मैंने, हो जाओ, स्टक क्यों हो गया ये, समझा लीजिए। नेक्स्ट स्टॉप है ये डाउनलोड्स। तो ये आपने इमेज प्लेस किया, आप इस तरह से इसको ट्रैक करेंगे तो इमेज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो शेप है इस पर क्लिक करते हुए राइट क्लिक किया है, ये ऑप्शंस आ रही है, अरेंज में जाना है, ये सॉरी ये एवरेज है, आपने एवरेज नहीं करना, अरेंज शेप पर क्लिक करें इस तरह से, और ये अरेंज की ऑप्शन है, शेप पर क्लिक करना है, अरेंज में जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट करना है। शेप को आप फ्रंट पर ले आए, और अब एक बार ये फ्रंट शेप पर, शेप फ्रंट पर आ गई, फिर आपने इसको सिलेक्ट रखना है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, इमेज भी सिलेक्ट करना है, इमेज भी अब सिलेक्ट हो गया, अब ये दोनों आपको ब्लू होते नजर आ रहे हैं, दोनों शेप्स ब्लू हैं, ये दोनों सिलेक्टेड हैं। अब आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ आपको क्लिप मास्क, क्लिपिंग मास्क की ऑप्शन आती है, आप मेक पर आप क्लिक करते हैं, या कंट्रोल 7 इसकी शॉर्टकट की है, आप वो प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर क्लिप होगा। अब आप इमेज पर क्लिक करें और इसे इस तरह से कर दें, ये इमेज आपकी इसके अंदर क्लिप होगी, शेप, ठीक है।
अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और आप इसे मूव करें जहां आप इसे प्लेस करना चाहते हैं। आप इसे थोड़ा इसको साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, साइज इंक्रीज कर दें इस तरह से। ठीक है, ये आपको क्लिपिंग मार्क्स क्लियर हो गया, बता दें एक बार पॉइंट कैसे किया, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था आपको, किस पॉइंट की बात कर रही है लीजा? अनम्यूट करके बताएं। शेप का पॉइंट, कौन सी शेप, ये जो अपनी क्रिएट की है ये, ओके ये वाली शेप की बात कर रही है ना अलीजा जी? ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको, बाकी आप सबको क्लिपिंग मार्क्स तो क्लियर हो गया। ये देखिए मैं अगेन एक शेप क्रिएट करके सेम इससे की दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मैंने यहाँ क्रिएट किया, समझे कि ये रेक्टेंगल है जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्रिएट करते हुए ये सर्कल्स बने होते हैं ये दो। तो अगर मैं ऐसे ही डायरेक्ट करूँगी तो ये चारों साथ जो है वो हो रही है, जितना कर्व सर्कल बन गया। लेकिन मुझे कुछ क्या है कि सिलेक्टेड एरिया को करना है, मुझे दो पॉइंट्स नहीं, चार पॉइंट्स नहीं करने, मुझे ये एक ही करना है, ये एक करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन से और इस सर्कल को मैं अंदर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, तो ये शेप कुछ इस तरह की बन गई। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर क्रिएट करके दिखा लेते हैं। तो ये देखिए अब हम एक न्यू शेप बनाते हैं, ये शेप हमारे पास, और मैंने सिर्फ शेप क्रिएट की है, उसके बाद मैं जाती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, सिलेक्शन टूल से मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ, ये पॉइंट मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया और उसको मैंने ये जो अंदर की तरफ ड्रैग किया और ये शेप चेंज हो गई, ये एक डिफरेंट शेप बन गई है। अब आपको समझ आ गया? चलें जी, समझ आ गया है, ठीक हो गया, शुक्र है। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कस्टम शेप पे कुछ ऐसी शेप्स होती हैं एब्स्ट्रैक्ट किस्म की, और वो एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जो होती है ना वो यूज़। अच्छा, आपने अपना इंट्रो क्रिएट करना है, ये मैंने आपको क्लिपिंग मास्क से इसलिए सिखाया कि आप ना इलस्ट्रेटर में इंट्रो बनाएं, उसमें अपनी सर्विसेज लिखें और जितने भी ये फेसबुक ग्रुप्स और ये सारी चीज़ें इधर जाके अपना इंट्रो शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स भी जिनको ऑर्डर्स नहीं आए ना उनको भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट लिखना इज नॉट अ बिग डील, वो आप लोग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी बस क्रिएटिविटी सिखाना ही मेरा मकसद है, टेक्स्ट वगैरह आप लोग ऐड कर ही लेंगे, मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, मैं कस्टम शेप आप लोगों को सिखा रही थी कि कस्टम शेप किस तरह से, ये देखें एक सर्कल, तो जैसे मैं सर्कल को छोड़ती हूँ तो पहले इसमें कलर फिल कर देती हूँ, इसको जैसे मैंने लीव किया है तो कुछ इस तरह की शेप आ गई। लेकिन जब मैं एंकर पॉइंट टू सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेती हूँ ना, यहाँ पर क्लिक करती हूँ, इसमें कुछ से हैंडल्स आ जाते हैं, ये हैंडल इसको कर्व करने में हेल्प करते हैं, जैसे मैं मूव करूँगी वैसे मूव हो जाएगा। अब ये एक कस्टम शेप बन गई है, ऐसी शेप जो आपने खुद बनाई है, इसको आपने खुद डिज़ाइन किया, इस तरह की शेप्स नॉर्मली मिलती नहीं है ना, तो इस तरह की शेप्स मॉकअप्स में यूज़ की जा रही होती है, इस तरह से रखा होता है और कंट्रोल जे, सॉरी वो तो फोटोशॉप में गया था, ऑल्ट प्रेस करते हुए आप इसे सिर्फ ड्रैग करते हैं तो इसकी कॉपी आ जाती है, इससे इसकी कॉपी आती है। आप मज़ीद इसको चेंज करना चाहते हैं, मेरी आवाज़ बैठ चुकी है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, अच्छा तो ये हैंडल्स आ गए, और इस हैंडल इन हैंडल्स की हेल्प से आप कस्टम शेप्स जैसे चाहें जिस तरह चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए एक और शेप बन गई, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो इसका साइज बढ़ाना है, आप ये टूल लें और इससे यहाँ से इस तरह से कोई भी कॉर्नर पकड़ के इसका साइज इंक्रीज कर दें। इस तरह से ना आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं होती उनके बैकग्राउंड पे इस तरह की शेप्स बनी होती। तो आज का आपका टारगेट यही होगा
कि आप ना कोई भी शेप क्रिएट करें, ये तो उसके लिए था ना, मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या, मैंगो लीफ, लीफ से देखें कि किस तरह की शेप बनती है। एक और आपको बता देती हूँ, लीफ से कैसे शेप बन जाती है, ये तो रेक्टेंगल है, ये आपके पास ठीक है इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक कर्व नहीं चाहिए, कर्व खत्म करना है तो कर्व खत्म करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आकर एंकर पॉइंट डाल देंगे और ये इस कर्व को खत्म कर देगा और ये बन गई, एक लीफ बन गई, पेटल बन गई, ठीक है पेटल बन गई। अब आप मल्टीपल पेटल्स चाहते हैं, आप ऑल्ट लेंगे, टूल चेंज कर लो ठीक है, टूल आपने सिलेक्शन टूल लेना है और ऑल्ट की मदद से आप यहाँ एक लीफ और एक और इस तरह से, तो इस तरह आप देखें कि अगर मैं इसे मूव करती हूँ तो ये एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है इस तरह से। इरम का मसला हल हुआ था, इरम को कलर्स का था, कलर्स की आज आपको क्लास दे दिया कलर थ्योरी पर, ठीक है। तो आई होप कि आप कलर जो वेबसाइट मैंने दिया वहां से कलर चूज करेंगी, सिर्फ कलर चेंज करना आपको, कलर चेंज करना भी आपको बता देते हैं कलर कैसे चेंज होते हैं, मैंने ग्रेडियंट भी आपको बता दिया और कलर का अगर आपको नहीं आइडिया तो एक बार फिर मैं बता दूंगी, ठीक है इरम। अब लोग सिर्फ इतना ही करके एक लोगो बनाया होता है, पता नहीं एक चैनल भी है आई थिंक मैंने देखा उसका इस टाइप का लोगो, सिर्फ इतना किया और लोगो डिजाइन है। बेसिकली लोगोस में ज्यादातर शेप्स ही होती है ना, शेप से ही वो डिजाइन किया होता है, तो अगर आप इन पेटल्स का कलर चेंज करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।